ये देखो ये पतंग आती भी हमारे घर में, अरे यार उधर को चले गई, मांगदर पतंग थी काफी बढ़िया। यहाँ पे देखो हमारा पॉइंट नीचे से है, ये हम गए चक्कर दिए पतंग को, और देखो भाई कितनी तेज कट के गया है वो, रेड वाला नीचे से आ रहा था हमारी पतंग, देखो ऊपर से ये पतंग रखी फिर चक्कर दिए, और देखो ये भी हमने काट दी है डोरा लगा के। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर ऑफिशियल। तो ये देखिए दोस्तों, आज की वीडियो हम उड़ाने वाले हैं ये दिल वाली पतंग, ब्लैक में वाइट का दिल बना है इसमें, और देखो मंजोली पतंग है भाई, सिर्फ 4 रुपये में, और इतनी बढ़िया ये पतंगें उड़ रही है ना। तो यार कोई ज़रूरत नहीं है 15 अगस्त को ज़्यादा बड़ी पतंग उड़ाने के लिए, अद्धी पौनी मत उड़ाना, मंजोली पतंग उड़ाओ क्योंकि काफ़ी शॉर्ट रेंज के पेज लड़ते हैं। तो ये पतंग उड़ाओगे तो पतंग भी अच्छी चलेगी और आप इनसे ज़्यादा पतंगें काट पाओगे। यहाँ पे देखो हमने पतंग पूरी तैयार कर ली है, पतंग में टेपिंग कर ली है, कन्या ने बांध लिए, चलो इस पतंग को उड़ाते हैं। और देखो पतंग उड़ाने से पहले टेपिंग जरूर कर लिया करो वरना पतंग आप। तो देखो ये रही पतंग, और सामने भी देखो पतंगें उड़ रही हैं, आपको दिख रही होगी, एक बंदा आगे से पतंग पार कर रहा है और आगे भी काफ़ी ज़्यादा पतंगबाजी हो रही है। चलो इस करते हैं इस पतंग को पार और फिर काट के आपको दिखाते हैं। और मेरे भाई बस 3 दिन बचे हैं यार, बस 3 दिन, 15 अगस्त के बस 3 दिन बचे हैं। तो मुझे पता आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और भाई अब जो है वो पूरा चेंज हो गया, जहाँ तक अभी हवा नहीं दिखा रहा था 15 अगस्त को, अब काफ़ी प्यारी हवा दिखा रहा है और मौसम भी पूरा साफ दिखा रहा है भाई बरेली का 15 अगस्त के दिन। तो उम्मीद है कि बढ़िया पतंगबाजी होगी और बढ़िया आप लोग के लिए वीडियो भी शूट होगी। तो देखो पतंग हमारी पार हो गई है, ये हमने पतंग पार कर ली, सामने देखो बंदे आ रहे हैं हमसे लड़ाने, देखो आगे पतंगें उड़ रही हैं, उनसे भी लड़ाएंगे, आजू बाजू सब तरफ पतंगें ही पतंगें, देखो इधर भी पतंगें, चलो लड़ाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई हमारा पेज आ गया, जो पतंग आपको रेड सर्किल के अंदर दिख रही होगी हमारी पतंग है, हम नीचे से उड़ा रहे हैं, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, और ये बंदा एकदम ठीक हमारे सर के पीछे से उड़ा रहा है। तो काफ़ी लोग कहते हैं ना कि पीछे वालों की पतंग कैसे काटें, तो देखो आप ये वाला पेज, ये हमने पतंग उसे चढ़ा के दिए, रुक गया, देखो वो निकलना चाह रहा था बाहर का लेकिन वो रुक गया, तो हमने और चढ़ा के दे दिया, हमने कहा मार भाई तू बाहर का, ये रखा इसने, देखो मारा मारा बाहर का मारा, हमने एकदम डायगोनल पट मारा और देखो काट दी उसकी पतंग। तो डायगोनल पट अगर आप मारते हो और कोई एकदम सीधा गद्दा मारता है ना, तो काफ़ी आसानी के साथ आप पतंग काट दोगे, बस आपकी खेस तेज होनी चाहिए। तो पहली पतंग देखो हमने काट दी है, ये रही हमारी पतंग, कहाँ गई, आ गई, तो आगे भी उड़ रही है, उसकी भी काट के दिखाते हैं। ये रहा एक और पेज, देखो रेड सर्किल कितना हमारी पतंग ने ऊपर चढ़ा रहे हैं, और ब्लू सर्किल कितना हमारे अपोनेंट की पतंग है नीचे से आ रखा है। तो ये देखो ये हम चले, ये उसने खींची, हमने चक्कर दिए पतंग को, और देखो कैसे उछल के गई है उसकी पतंग, तो एकदम वो सीधी खींच रहा था, हमने बस चक्कर ऊपर डाल दी अपनी पतंग, और ये वाली पतंग भी देखो काट दी है, वो कट के जा रही है। यहाँ पे देखो एक और बंदा हमसे लड़ाने आ गया, देखो रेड वाली पतंग दिख रही होगी, वो बंदा हमसे लड़ाने आ रहा है। तो देखो ऊपर वाली हमारी पतंग है, आपको दिख रहा होगा ब्लैक वाली, और रेड वाली हमारे अपोनेंट की पतंग है, नीचे से आ रखा है, और उसकी पतंग ना राउंड है, मतलब राउंड क्या, उसकी पतंग हमारे हाथ की तरफ गिर रही है अंदर की। तो अब देखो इसकी पतंग कैसे काटेंगे, तो देखो अगर ये बंदा अपनी पतंग खींचेगा तो इसकी पतंग हमारे हाथ की तरफ की आ जाएगी, तो अब इसको काफ़ी आसान होता है ऐसी पतंग काटना। आप देखो हम उसे दिखाएंगे कि हम खींच रहे हैं लेकिन हम खींचेंगे नहीं, ये हमने खींची और जैसे उसने अंदर की दिखाई ना, हमने वहीं पतंग रोक के चक्कर पे डाल दी, और ये वाली पतंग भी देखो कितनी आसानी के साथ काट दी। ऐसे ही काटो भाई दूसरों की पतंग। यहाँ पे पतंगबाजी दिखाऊँ, देखो पतंगबाजी हो रही है, लंबी लंबी रेंज की पतंग उड़ रही, तो शायद आपको कैमरे में इतनी क्लियर नहीं दिखे क्योंकि पतंगें काफ़ी उड़ रही हैं, लेकिन थोड़ी लंबी रेंज में आज लोग पतंग उड़ा रहे हैं, लगता है सब बड़े लोग आज पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे अच्छे थोड़े अभी कम हैं, शांत बैठे हैं बच्चे, तो सारी पतंगें लंबी रेंज की, और हवा यार क्या हवा निकल के आई है एकदम पछाओ में, बंदी भी हवा जिसे कहते हैं ना, वो हवा चल रही है, मज़ा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो देखो एक और पेज हमारा आ गया है, रेड सर्किल के अंदर हमारी पतंगें हम नीचे से उड़ा रहे हैं, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है वो ऊपर से आ रखा है। तो ये देखो वो चढ़ के आ रहा है, थोड़ा आगे पतंग आ रही है, उससे हम अपनी पतंग बचा रहे हैं। वो देखो आगे वाला बंदा भी हमसे लड़ाने आ गया, ये रखी 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 हमने बचा ली है। देखो जहां पे आपका पेज गलत बन रहा है वहां पे आप अपनी पतंग बचा लिया करो, ये नहीं कि जबरदस्ती है वहां लड़ाना यार, किसी के कर्जा थोड़ी खा रखा हमने कि वो लड़ाना है पेज वहां पे, तो बचा लिया करो वहां पे पेज। देखो यहाँ पे हमने डोर टाइट करी, खींची अंदर की, और भाई साहब उड़ गए, उन्हें मौका ही नहीं मिला कि वो क्या करता, उसे कुछ समझ में ही नहीं आया, अंदर की खींच के ये वाली पतंग भी काट दी है।
यहाँ पे देखो एक और पेज आ गया, नीचे से हमारी पतंग रही रेड सर्कल के अंदर, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है वो ऊपर चढ़ा रहा है। तो अभी हमने देखो इस पतंग से करीब 5-6 पतंगें काट रखी हैं, और एक और पेज हमारा आ गया। ये बंदे ने दिखाई अंदर की, हमने अंदर की खींच के पतंगें चक्कर दे दिए, वो भी चक्कर दे रहा, हम भी चक्कर दे रहे हैं। उसने पतंग थपथपाई और दोनों की कट गई, हमारी भी उसकी भी। तो अब हम अपनी देखो नेक्स्ट पतंग पार कर रहे हैं, ये पट्टेदार पतंग रही, और शाम हो गई है और ज़्यादा। अब ये टाइम हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं, और देखो पतंग हमारी ये वाली पार होके जा रही है। तो अब ज़्यादा पेज तो हम लड़ा नहीं पाएंगे, जल्दी अधेरा हो जाएगा, लेकिन जब भी जितने पेज लड़ते हैं 2-3 आपको दिखाते हैं। ये आ गया हमारा पेज रेड सर्किल के अंदर, हमारी पतंगें नीचे लड़ा रहे हैं, ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की। खींची खींची मैंने बट मार दिया और भाई काट दी। भाई साहब काफ़ी तेज़ी से ऊपर से खींचते हुए ला रहे थे, मैंने उसी के साथ साथ पट मारा, और यहाँ पे देखो उसकी पतंग हमने काट दी है। ये सामने हमारी पतंग उठ के आ गई है, और यहाँ पे देखो पन्नी के पिद्दे ने पतंग लपेट ली है, ये लपेट के ले जा रहा है। अरे गई भाई, दोनों की गई, हमारी नज़र लग गई। बेचारा अच्छा खासा पतंग लपेट के ले जा रहा था, लेकिन जैसी मैंने वीडियो में दिखाया ना आपको, पन्नी का पिद्दा भी गया, वो पतंग भी चले गई। देखो दोनों टूट के जा रही हैं। अब यहाँ पे देखो हमने दूसरी पतंग पार करी है, वाली हमारी कट गई थी पटेदार भी, ये पेज फंस गया हमारा। देखो हम भी चक्कर दे रहे हैं, वो भी चक्कर दे रहे हैं, हम ऊपर से, और देखो काट दी, कन्ने छील दिए हमने उसके, कन्नों के पास उसने रखी थी, और उसके कन्ने देखो हमने काट दिए। ये उठा ली हमने पतंग। अच्छा एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जितने पेज हमने नीचे के हाथ से लड़ाए तो हमने सारी पतंगें काट दी हैं, मतलब नीचे का हाथ हमारा अच्छा खासा चल रहा है। तो यहाँ पे एक और पेज आ गया है, रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग रही, मैं नीचे से लड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है वो ऊपर से आ रखा है। तो हमें उम्मीद है कि हम ये वाली पतंग भी काट सकते हैं। ये फिर डायगोनल पट, और ये भी देखो मुँह के पास से ही काट दी। डायगोनल पट जितने भी मैं मार रहा हूँ आजकल सारी पतंगें काट रहा हूँ। देखो उसने गद्दा रखा, मैंने डायगोनल पट मार दिया बाहर का, और ये वाली पतंग भी देखो हमने काट दी है। सामने हमारी पतंग खड़ी है एकदम, ये पतंग आ गई, आ जा। अरे यार चले गई। तो देखो ये आ रही थी पीछे से कट के पूरी हमारी छत में, लेकिन हवा का झोंका आया और उधर धकेल दिया। हाथ में आती आती पतंगें रह जाती हैं यार, पतंगबाजी देखो कितनी सारी हो रही है उधर। अब शाम हो गई, और देखो मौसम कैसा एकदम रेड टाइप का हो गया, चारों तरफ बादल ही बादल हैं, और बादल देख के आज के लिए यार थोड़ा डर भी लग रहा है 15 अगस्त को क्या होगा। लेकिन टेंशन मत लो यार, जो होगा अच्छा ही होगा, बारिश भी हुई तो रुक जाएगी, और फिलहाल बारिश तो नहीं दिखा रहा, तो नहीं होगी, हवा अच्छी है। तो यार एक्साइटेड रहो 15 अगस्त के लिए, और देखो काइट स्टेस की अभी वीडियो आने वाली है, जो काइट स्टेस मैं 15 अगस्त के लिए लाया हूँ, तो वो वीडियो भी मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।